वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी बेसिकली है क्या, इसका जो है ना, इसको किस कहाँ पे जो है ना वो सेव किया जाता है, ये चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले जो है ना इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, तारीफ देख लेते हैं। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी है डिजिटल मनी क्रिएटेड फ्रॉम कोड, ये कोडिंग की जाती है, ठीक है, कंप्यूटराइज्ड वहाँ से जो है ना इसको जो है ना वो लिया जाता है। और द क्रिप्टो करेंसी इकोनॉमी इज मोनिटर्ड बाय अ पीयर टू पीयर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसकी मिसाल के अंदर जो है ना बिटकॉइन आ जाता है, क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। इससे हट के जो है ना लाइट कॉइन हो गया। आज तो आप देख लें कि जो है ना कोई हज़ारों की तादाद में जो है ना क्रिप्टो करेंसी आपको मार्केट के अंदर जो है ना मिलेंगे, लेकिन बहुत कम करेंसीज होती हैं जिनकी डिमांड जो है ना वो ज़्यादा होती है। और कैसे होती है वो फिर आगे बात होगी। एवोल्यूशन ऑफ मनी पे बात करते हैं। सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से हम देखते हैं कि अगर कोई बंदा कोई कहीं किसी से कोई चीज़ लेता था तो उस टाइम पैसे तो नहीं होते थे, तो बदले में उसी के बदले में कोई चीज़ उसको देनी पड़ती थी, ठीक है। और उसके बाद जो है ना दौर जो है ना फिर आगे बढ़ा, गोल्ड का दौर आया, गोल्ड से आगे फिर जो है ना मेटल कॉइन्स का दौर, अशरफियों का दौर आया। अशरफियों पे भी दौर नहीं रुका, आज आपके हाथों में पैसे पेपर करेंसी है, ठीक है। पेपर मनी का दौर आया, पेपर मनी से आगे प्लास्टिक कार्ड, डेबिट कार्ड, ये जो है इनका दौर आया, ठीक है। और आगे फिर प्रमोशन होती गई, चेंजिंग आती गई, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, इलेक्ट्रॉनिक मनी का दौर आया, इजी पैसा, जैस कैश जैसा कि आ गए। आज आप पाकिस्तान के किसी कोने में भी हो ना तो आप जो है ना वो रकम इजी पैसा जैस कैश आप किसी को सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना क्रिप्टो करेंसी का भी दौर आज जो है ना, अगर आप देखें जाके देखें तो क्रिप्टो करेंसी की भी रेटिंग जो है ना ज़बरदस्त जा रही है, ठीक है। और आज जो दौर है वो क्रिप्टो करेंसी का है। व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी यूज फॉर, हम देख लेते हैं कि किस तरह मैथड पर यूज़ की जाती है, माइनिंग किस तरीके से भी जो है ना क्रिप्टो करेंसी को यूज़ किया जा रहा है, लीगल तरीके भी हैं पड़े, ट्रेडिंग मैथड से भी इसको जो है ना इस्तेमाल किया जा रहा है, और कुछ तरीके इलीगल भी होते हैं, ठीक है, उन पे भी जो है ना वो इसको यूज़ किया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर हो गया, स्टीलिंग स्कैमिंग के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है, फॉरेन के अंदर। और क्रिप्टो करेंसी को स्टोरिंग फंड के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि जो है ना अब ये चीज़ हमने इसको सेव कहाँ पे करना है, इसके लिए जो है ना स्पेशल वैलेट होता है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी वैलेट इज़ अ डिवाइस फिजिकल मीडियम प्रोग्राम और ए सर्विस विच स्टोर द पब्लिक एंड आर प्राइवेट कीज़ फॉर क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसको सेव करने के लिए जो है ना फिर वैलेट्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट नेम्स होते हैं, ठीक है। आप बनानस के अंदर भी आप सेव कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से हो भी हो, कैक्स हो गया, इस तरीके से ट्रस्ट वैलेट हैं, इस तरीके से और भी बहुत सारे वैलेट्स हैं जिनके अंदर जो है ना आप जो है ना इसको सेव कर सकते हैं। होप्स हो कि आपको क्रिप्टो करेंसी की जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको जो है ना अच्छी लगी होंगी, समझ भी आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जो है ना वो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि जो है ना जो दोस्त जो है ना वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इसका नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, हमारी अगली वीडियो भी इस टॉपिक से रिलेटेड होंगी। और ख़ास तौर पे उन दोस्तों के साथ मैं कहता हूँ शेयर करें जो कुछ ना कुछ जो है ना क्रिप्टो करेंसी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं।